हम ब्रांडी वाले लगते हैं क्या? पुलिस की बेरहम लाठी का एक ही इलाज है ब्रांडी। हमारे मार खाने की न्यूज़ टीवी पे आ गई। पुलिस की पिटाई और बीवी की धुलाई के निशान का फर्क जानता हूँ मैं बिटवा। अच्छा कैसे? बचपन से पुलिस में जाने का कीड़ा था ना। वेटर कैसे बना? पुलिस की एग्जाम में लिखना था मुझे इंस्पेक्टर, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, लिख दिया वेटर। एक दिन के लिए डीजीपी बनेगा? कमिश्नर को पूछ रहा है डीजीपी बनेगा? ऑटो में क्यों है बे? तुम्हारे बजट में यही मिला? ये भंगार से उठा के लगवाया। नेफ्ट कर दूंगा, पहले इससे निपट। ओके। सरकारी काम के लिए मैं हमेशा सरकारी गाड़ी लाता हूँ, पब्लिक के काम के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता हूँ। लाल बत्ती कॉमन, पूछने से पहले ही जवाब दे दिया इसलिए तुम कंफ्यूज हो गई। मैं ऐसा ही हूँ, कम ऑन फॉलो मी। एक नंबर का चमड़िया, थोड़ा रुक के आना। परेड चल, परेड स्टॉप, परेड मुड़, परेड आगे क्या है? कंफ्यूज लेटिंग है। अरे वाह, डिट्टो एमएलए जैसा ही है। पर डे क्या चार्ज होता है? ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल है? देख, गुलबदन को आटे में लेना, बोलना तेरे को पुलिस में नौकरी मिल गई है। ओके, डायलॉग्स मैंने रट्टा मार लिए, एक्टिंग मेरी रग रग में है। ये जेरॉक्स क्या बोलता है? ये बेवड़े, ये एक्सरे है। मला माहिती है रे, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। ए, लाओ इधर। नहीं खुल रहा? इंग, इंग, ऐसे नहीं खोलते। बॉटम पे झटके, सर पे टपलियां, फिर एक फटका, खुल जा सिम सिम। मेरा रोज का काम है, बना लो पैक। नर्स बहन जी, पुलिस डिपार्टमेंट में तुम्हारी नौकरी पक्की। रॉन्ग नंबर। पुलिस डिपार्टमेंट में? या। थैंक यू सर। मैं अभी जाके टेलर से पुलिस की वर्दी सिलवाती हूँ। जिस नंबर पे आप फोन लगा रहे हैं वो सही नंबर नहीं है। वो तो मुझे भी मालूम है यार, रिहर्सल कर रहा था। नर्स झांसे में आ गई ना, यानी परफॉर्मेंस हिट है। फिल्म फेयर मिलेगा। ऑस्कर के लिए मेरा नाम भेज दो ना प्लीज। गुलबदन आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गोरा बदन, हाउ डू डू। मेरा नाम गुलबदन है सर। गुलबदन, गोरा बदन, बदन तो कॉमन है ना। मैं परीक्षा ले रहा था, नाम भूल तो नहीं गई, डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। बाय बाय द वे, पुलिस डिपार्टमेंट में तुम्हारी नौकरी पक्की। थैंक यू जी। आपकी नहीं, आपकी बेटी की। हाँ हाँ, ये जब पेट में थी तब से मैं इसे पुलिस बनने के सपने दिखा रही हूँ। सपनों से कुछ नहीं होता बेबी, पढ़ाई करनी पड़ती है। हाँ। जो नहीं पढ़ते वो बार में वेटर बन जाते हैं। एक्सक्यूज मी, ये हो क्या रहा है? ये हॉस्पिटल है या बार? बार का इंसल्ट मत कर, हॉस्पिटल बार दोनों ही जगह इलाज होता है। इधर इधर आना बे, सुबह सुबह मार के आए। दो बोतल कंट्री गटकाई ना तो पांच बार में, मैं जानता हूँ रोज का गिराए कह तू। ऐ पी के ड्यूटी करता है, खुद पिया तो पिया, इस मोटे को भी पिला के सुला दिया। ओके ओके। हाँ। मुझे इमरजेंसी। ओके, वापस मत आना, राउंड पे राउंड मार जा। क्या जजमेंट है आपका, कैसे पता चला वो बेवड़ा है? एक्सपीरियंस, 25 इयर्स से सर्व करने का तजुर्बा है ना। क्या सर्व करते थे? इनका मतलब है 25 सालों से पुलिस डिपार्टमेंट में सर्विस की है इन्होंने। आपको लेट हो रहा होगा सर, आपको बार में जाना है ना रेड के लिए। ओ तेरी, ओनर को बता के नहीं आया? ओनर किसका? ओनर मतलब कमिश्नर, जैसे ब्रदर का ब्रो होता है वैसे कमिश्नर का शॉर्टकट ओनर होता है। लेफ्ट राइट, लेफ्ट लेफ्ट राइट। थैंक यू सो मच सर। मुझे थैंक यू मत बोलो, ये ढिंचैक को बोलो। हा? सब इसकी मेहनत है। काश मैंने भी की होती तो आज असली पुलिस वाला होता। चल भगा। एक्टिंग उसने की लेकिन अवार्ड मुझे मिलने वाला है। थैंक यू, आई लव यू। 6 महीने हो गए, ब्लाउज कब मिलेगा? बड़ा साइज है ना, टाइम लग रहा है। ए, ए, डिंचक भाई, क्या हुआ? क्या चागेस, पुष्पा ने पुश किया? पुष्पा वाली कहानी तो आप सब जानते ही हैं, ये नया मैटर है भाई। की बोल ची? आज पुलिस सिलेक्शन का रिजल्ट आ गया है, गुलबदन और उसकी माँ गुस्से में इधर ही आ रहे हैं। तो अंदर छुप सकते हैं ना? छुप जा। ए, मेरे ब्लाउज दे। सुई में धागा नहीं घुस रहा है, बाद में पहनूंगी क्या? अभी जो पहन रखा है ना वही पहन के जा। उसके दिल के गमले में प्यार की कली खिली थी, जज्बातों में यूरिया ज्यादा पड़ गया और रोमांस की फसल तबाह हो गई। आज रविवार है क्या? इसकी दुकान बंद है? अरे दरवाजा बंद करके अंदर छुपके बैठे हैं। मेरा ब्लाउज भी नहीं दिया। कब दिया था? जब दुबली थी तब सिलने दिया था, मैं मोटी हो गई अब तक नहीं मिला। फिकर मत कर ढिंचैक, एक हफ्ते तक हम लोग यहीं पर रहेंगे, तब तक चनिया चोली होश में आएगा, 10 लाख लौटा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पुलिस में जा रही हूँ, क्या लगा मैं ढूंढ नहीं पाऊंगी?
तुम लोग तो ऐसे छुपे हो जैसे नेता लोग जीतने के बाद बिल में छुप जाते हैं। नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं है, देखिए मैंने कुछ नहीं किया, सब इसने किया है। हेलो तू किधर जा रहा है, चुपचाप यहीं रुक, जरा मुझे वो देना। एक्चुअली गुलबदन मेरा बदन गर्म था और दिमाग ठंडा। बर्फी में जहर तो नहीं है, देख के खाना। ठीक चेक, आज मैं बहुत खुश हूँ, पुलिस की नौकरी मिल गई है मुझे। शाम को सर्कस देखने चलोगे मेरे साथ? कौन से चौकी में? घंटा घर के पास वाली, तुमने एहसानों के तले दबा दिया है। घबराओ मत, एहसान बहुत हल्के हैं इसके। सुबह सुबह डीजीपी ने कॉल करके फोन किया था, गुड मॉर्निंग के बजाय गुड न्यूज बोला, जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया, सरप्राइज कम हो जाता। सच में? हाँ तो? तुम्हारी कसम, तुम्हारी माँ की कसम। कल से मैं ड्यूटी ज्वाइन कर रही हूँ, फूलों की माला ले आना। बाद में बालों में लगा लेना। थैंक यू सो मच। कब्र वाले को थैंक यू बोलो, मैं वहाँ से उठा कर लाया हूँ। तुम नहीं सुधरोगे। कांग्रेचुलेशंस। इसका नाप तो मैंने लिया था, लेकिन वर्दी किसी और ने सी है, अच्छी फिटिंग है। अरे ये तो वही बात हो गई ना ढिंचैक, हमने पेड़ लगाया जामुन का और उसमें से उग गया संतरा। अगर उसे सच्चाई पता चल गई तो? उससे पहले उसको आई लव यू बोल डाल, शादी कर ले, बच्चे अच्छे पैदा कर ले। हाँ, कुछ नहीं होगा। थैंक्स फॉर द आइडिया। अबे मैंने तेरी थैंक्स सुनने के लिए आइडिया नहीं दिया। चनिया चोली कब जागेगा किसी को नहीं पता। हाँ, लेकिन अपनी गुलबदन सब इंस्पेक्टर बन गई ना। हाँ, पुष्पा का मैटर इससे सॉल्व करवाएंगे। ओहो, और इंतजार बर्दाश्त नहीं होता, शादी के मंडप में ही हनीमून का बंदोबस्त करूंगा। पहली बार किसी को प्रपोज करने जा रहा है, मुझसे आशीर्वाद लेके जा। आयुष्मान लव भवा, आयुष्मान बच्चा भवा, लव सक्सेस भवा, भवा भवा करने वाला कुत्ता भवा। सब्जी मंडी, कल से यहाँ कोई दिखना नहीं चाहिए मेरे को। गणपति को हटाना आसान है मैडम, लेकिन इनको हटाना बहुत मुश्किल है। रोक, आगे रह रहना। क्या है मौसी, क्या है ये सब, सड़क पे दुकान क्यों लगा रखी है? लगता है यहाँ पर नई नई आई हो, मैं तो सालों से यहाँ पे मंडी लगा रही हूँ। वक्त के साथ सब बदलता है, तुम्हें भी बदलना होगा। मुझे सब गुलबदन बोलते हैं, कल से यहाँ पर घास फूस दिखना नहीं चाहिए। मैडम जी धंधा बंद कर दिए तो हम लोग खाएंगे क्या? ये लो रख लो। ये क्या, इतना भी नहीं समझी? ये तो बस एक रिश्वत है, रख लो। मुझे रिश्वत दे रही है? ज्यादा भोली मत बनो, रिश्वत देकर ही तो तुम पुलिस बनी हो, तो वसूली तो बनती है ना। ए, सीधा तुझे अंदर डाल दूंगी। हाथ निकाल। हाथ कैसे लगाया? खुद तो रिश्वत दे के पुलिस बनी हो और जब हम दे रहे तो हमें धमकी दे रही हो। मैडम पब्लिक बहुत मारेगी, निकल लो यहाँ से। हाँ बढ़िया, ये हमारा धंधा बंद करवाने के लिए। ए, चल निकल। रिश्वत के पुलिस बन सकती हो, हम लोग धंधा नहीं कर सकते क्या? सीधे एसपी साहब के ऑफिस ले चलो। जी मैडम। एसपी साहब डीजीपी सदाशिवम के साथ मीटिंग में। अच्छा तो डीजीपी सदाशिवम भी वही है, बहुत अच्छे। सीधा अपना रेजिग्नेशन लेटर उनके मुंह पे मारूंगी। क्या पुलिस की जॉब छोड़ रही हो? किसने कहा कि मैंने रिश्वत लेकर तुम्हें पुलिस की जॉब दी है? मैं डीजीपी सदाशिवम हूँ, मैं भूखा मर सकता हूँ लेकिन कभी रिश्वत नहीं ले सकता। ये जॉब तुम्हें तुम्हारी मेहनत से मिली है। किसी ने तुम्हारी माँ को उल्लू बनाया, अपनी वर्दी का पावर दिखाकर उसे एक सबक सिखाओ। मुझे लगा मेरे ससुराल वाले बारात लेके पुलिस स्टेशन आ गए। आज कौन सा त्योहार है बे? शांत, आज लव का त्योहार है, वैलेंटाइन्स डे। हिमेश तू यहीं अड्डा जमाना। हाँ? मैं अंदर जाके अपने प्यार की पिपुड़ी जोर से बजाऊंगा। हाँ? और तू अपने बैंड का पिपुड़ा कान फाड़ बजाना। अरे सर इतना ऊंचा बजाऊंगा, इतना ऊंचा बजाऊंगा कि आपके कान फट जाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस तो अल्ताफ राजा में भी नहीं था। गुड, क्या मटक मटक के चल रहा है, वेरी गुड। उल्टा नहीं, ससुराल में आया हूँ। माय अर्धांगिनी, मैंने तेरी चौखट है लांगली। माय डियर फ्रेंडली पुलिस, आज है वैलेंटाइंस डे, तो तुम लोगों को जो मांगना है मांग लो। ढिंचक बाबू मुझे प्रमोशन चाहिए। चनिया चोली से बात करके हवलदार से सीधा चौकीदार बना दूंगा तुम्हें। चौकीदार? या बेबी ये प्रमोशन थोड़ी है, डिमोशन है। अरे शो करे जे बहन, लूज मोशन से तो अच्छा है। ढिंचक भाई पुलिस वाले को बांटो और हम लोगों को डांटो। तेरा क्राइम क्या है मुन्ना? एक की खोपड़ी फोड़ के आया हूँ बस, इतना सही? कितना चिंदी क्राइम है। एक आइडिया है, तेरे पे मर्डर केस ठोकता हूँ, तिहाड़ जेल में तेरी एंट्री हो जाएगी और गुंडा सर्कल में नाम हो जाएगा। मेरी जानू कहाँ है? राउंड अप पे गई है, थोड़ा वेट कर। मैं तुम लोगों की तरह वेला थोड़ी बैठा हूँ। मैं उसका वेट नहीं करने वाला हूँ, बल्कि शादी के लिए उसे वेट करवाने वाला हूँ। हाँ बोल। हेलो गुलबदन, मुझे अर्जेंटली मिलना है। तुझसे ज्यादा अर्जेंसी में तो मैं हूँ। पहले तो ये बता कि तू कहाँ गुटर को कर रहा है। दिल का चोर कहाँ जाएगा, पुलिस स्टेशन में हूँ। हवलदार रामू को बोल के अपने लिए पकौड़े मंगवा में आती हूँ। तुम्हारे आने तक हिलूंगा भी नहीं। ऐसा हिलाऊंगी कि हिलने के लायक नहीं रहेगा। आई एम
वेटिंग। पहले अबे आंखें डिक्की में रख के चला रहा है क्या? ये पुलिस की गाड़ी है। पुलिस है तो क्या हुआ, फूटे अंडे जुड़ जाएंगे। ए भाई सुनना, थोड़ा पैसा वैसा लेके केस रफा दफा कर देना। पुलिस होके रिश्वत देता है चला। ओ मैडम, ओ पुलिस मैडम सुनो, 50 के रेट से 100 अंडों का 5000 रुपया होता है। मुर्गी के अंडे थे या मोर के अंडे? अंडे मुर्गी के ही थे, लेकिन टिप नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? मैडम सच्ची मुच्ची पुलिस वाली बन गई। नमस्ते मैडम। इसे अंदर लेके आ। ए इधर चल। शादी के बाद ओपनिंग नाइट यहाँ मनाऊंगा। आदिवासी का इलाका है। शादी के लिए मचल रहा है बदन, बुक कॉर्बे हनीमून सदन कम कुल बदन। अबे पहले बदन तो मजबूत कर ले। लव यू, तेरे साथ सात फेरे लेकर सात बच्चों की मैं प्लानिंग करूंगा। ये टेररिस्ट है या निंजा हथौड़ी? हमारा चोली दामन का रिश्ता होने से पहले ही तेरी झोली में टेररिस्ट आ गिरा। इसका बरमूडा उतार कर गरम बुनेट पर कुल्हा टिका दे। लंबाई से तेरे को जाना पहचाना नहीं लग रहा। सोच कहा। चल इस निंजा को छोड़। अब ये बता कि डीजीपी जॉब के लिए कितनी रिश्वत देते हैं? वैसे तो वो 50 लाख के नीचे अपना ईमान नहीं बेचते, लेकिन उनकी दुखती रग मेरे हाथ में थी, 10 में मान गए। ऐसा रिटर्न गिफ्ट लाई हो कि तू चौंधिया जाएगा। ऐसा क्या? शादी, हनीमून, फैमिली प्लानिंग सब कैंसिल। इसे मैं जानता हूँ, टिकटॉक पर डीजीपी की वीडियोस बनाता है। ए, चूबिया सब जाए क्या? बेबी बार के लिए मुर्गी के अंडे ला रहा था तो इस बिल्ली ने इस मुर्गे को ही दबोच लिया। सनी का फोन है, अट्टे बाहर जाके ले। ए, सच बोल, किसका फोन है? बिग बॉस का फोन है, दिखाई नहीं सुनाई देता है। सुना तो तेरा बिग बॉस। क्या बेटा, मेरा फॉर्मूला काम किया कि नहीं? कुल बदन को अपने बदन से लगाया कि नहीं? अगर नखरे दिखाए तो तू इमरान भाई की तरह दबोच के लिप लॉक कर देना। क्या बोल रही हो? ऐसे घूमेगी जैसे एसआई के पीछे कांस्टेबल घूमता है। बस कर। और अगर फिर भी नखरे कम ना हो तो कह देना, वर्दी हमने पहनाई है, हम ही उतरवा भी सकते हैं। अच्छा सुन, एक और बात बताता हूँ। कुल बदन के नाम पे 50,000 का हफ्ता फिक्स किया है, एरिया की दारू की भट्टियों से। इस लंगूर को यहाँ बुला। हफ्ता बढ़ा दूँ? जैसा कह रही हूँ पहले वैसा कर। फिर मेरे साथ पिक्चर चलोगी? चुप क्यों हो गया? पप्पी अप्पी शुरू कर दी क्या? जल्दी बुला। सुन गचागच, अपना प्रपोजल लेकर आ जा, लॉकअप में बात करते हैं। हाँ बढ़िया आइडिया है। वो आ रहा है, मैं जा रहा हूँ। अबे रो। ममो। मेरे ऊपर क्यों कर रहा है? ममो, ममो। ए, वो खुशी से चीख रहा है, जोर से बजाओ। देखो बाद में कुछ हो गया तो तुम्हें ही पछताना पड़ेगा। जरा होले धीरे। बैंड बाजा लेकर आया है, मुझे लगता है दुल्हन लेके ही जाएगा। अबे हैंग हो गया क्या? बाल खराब, शर्ट फटी क्या भाई? मैदान मार लिया क्या? रिस्टार्ट। करप्शन के सारे तरीके लेकर आया हूँ। गुलबदन, अगर रिश्वत से घर बनाना है तो मुझसे हाथ मिलाओ। बड़ी हाथ से बोला था, गाल से नहीं। ये मार क्यों रही है यार? इसी दिन के लिए वर्दी पहना के इतना बड़ा किया तुम्हें? और सुन ले, अगर गुस्सा दिलाया तो डीजीपी को फोन करके सस्पेंड करा दूंगा। ठीक है, लगा उसको फोन। तू 5.5 फुट के आदमी को हल्के में ले रही है क्या? आज तो तू गई गई तो फोन काट दिया इसने। मीटिंग में होगा, मुझे कॉल बैक जरूर करेगा वो। कोई नहीं, फिर से लगा। लगाऊंगा, बार बार फोन लगाऊंगा, तब तक लगाऊंगा जब तक मेरे फोन की बैटरी नहीं उतर जाए। अभी तेरी वर्दी उतरवाता हूँ मैं। अरे यार ये गधा है। मेरे पीछे फोन क्यों बज रहा है?